मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीनाक्षी गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक पॉलीप्लॉयडी। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट फर्स्ट की सेकंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। हेरिडिटिक जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर पास होते हैं। ह्यूमंस के अंदर हम देखें तो एक कॉपी जो जीन्स की है वो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर पास होती है, जिससे कि हर पेरेंट से एक एक कॉपी जाती है और टोटल दो कॉपीज प्रोजेनी के अंदर उपस्थित होती है। अब हम यहाँ देखें कि लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें दो कॉपीज पेरेंट से नहीं जाती हैं, एक एक पेरेंट से एक कॉपी नहीं जाती है, इसे हम पॉलीप्लॉयडी के नाम से जानते हैं। पॉलीप्लॉयडी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, नेचर, ऑटोपॉलीप्लॉयडी और एलोपॉलीप्लॉयडी। अगर हम ये देखें, ऑटोपॉलीप्लॉयडीज जो हैं, जब एक इंडिविजुअल के अंदर एक से ज़्यादा दो सेट्स क्रोमोसोम के प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही सेम पेरेंट स्पीशीज से पहुँचते हैं, उसे हम ऑटोपॉलीप्लॉयडी के नाम से जानते हैं। एलोपॉलीप्लॉयडी जो है उसके अंदर जब इंडिविजुअल के अंदर दो कॉपीज प्रेजेंट होती हैं लेकिन दोनों ही डिफरेंट स्पीशीज से आती हैं, तो उसे हम एलोपॉलीप्लॉयडी के नाम से जानते हैं। डिस्क्रिप्शंस ऑफ पॉलीप्लॉयड्स। पॉलीप्लॉयड्स के अंदर देखिए, जो पॉलीप्लॉयड्स हैं उसके जो दोनों टाइप्स हैं उसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, उस बेस पर भी हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर डुप्लीकेटेड जो क्रोमोसोम्स हैं अगर वो कम्प्लीटली होमोलोगस हैं और मल्टीवेलेंट जो बाइवेलेंट सेग्रीगेशन है, मल्टीवेलेंट और रैंडम बाइवेलेंट सेग्रीगेशन अगर मियोसिस के दौरान हुआ है, तो उसे हम पॉलीसोमिक पॉलीप्लॉइड्स के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होमोलोगस है और स्ट्रिक्टली बाइवेलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स से सेग्रीगेट हुए हैं, तो उसे हम डाइसोमिक पॉलीप्लॉइड्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये पॉलीप्लॉइड्स जो हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे इनके अंदर हाई लेवल ऑफ जीन डुप्लीकेशन होता है, इनके अंदर हेटरोजाइगोसिटी होती है और इनके अंदर आउटक्रॉसिंग्स होने के कारण ऑटोपॉलीप्लॉइड्स के अंदर हेटरोजाइगोसिटी जो है ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डिप्लॉइड्स। जब एलोपॉलीप्लॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पेरेंटल स्पीशीज जो है उनके अंदर ज़रूरी नहीं कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जो कि हाइब्रिड के अंदर बना है। अगर इनका नंबर मैच भी नहीं करता तब भी हाइब्रिड फॉर्म हो सकते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि जो पॉलीप्लॉइड बनते हैं वो उनके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, कई कैरियोटिक जो स्पीशीज हैं उनके अंदर टॉलरेंट हाइब्रिड पॉलीप्लॉइड्स बनते हैं, और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं पॉलीप्लॉइड्स के, और उसको हम कंपेयर कर सकते हैं दो पॉलीप्लॉइड्स के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड का फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि टाइप्स क्या क्या हैं पॉलीप्लॉइड्स के अंदर, हम उसको फिर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं हैप्लॉइड की। हैप्लॉइड जो सिचुएशन है उसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। डिप्लॉइड जो है उसके अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ट्रिप्लॉइड जो है उसके अंदर तीन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो है स्टराइल सैफ्रॉन क्रोकस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। टेट्राप्लॉइड देखें तो उसके अंदर चार सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि फिश के अंदर प्रेजेंट है। पेंटाप्लॉइड जो है जिसमें पांच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हेक्साप्लॉइड में छह, हेप्टा में सात, ऑक्टा में आठ, डेकाप्लॉइड में दस और डोडेकाप्लॉइड उसके अंदर बारह सेट्स ऑफ
क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब के एग्जाम्पल्स की किस किस के अंदर इतने सेट। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म फॉर पॉलीप्लॉइडी, किस तरह से पॉलीप्लॉइडी का फॉर्मेशन होता है। पॉलीप्लॉइड स्पीशीज जो हैं वो या तो सिंगल स्पीशीज, जिसे कि डिप्लॉइड जीनोम जो है वो डुप्लीकेटेड होता रहता है अपने ही अंदर, जिसे हम ऑटो पॉलीप्लॉइड्स के नाम से जानते हैं, या फिर फ्यूजन ऑफ दो या दो से ज़्यादा डिप्लॉइड जीनोम के, जिसे हम एलो पॉलीप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होगा, ये डिपेंड करेगा बहुत सारी, एक तो होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जिसमें केमिकल इंड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि कॉल्चिसिन जो है जो कि मेटाफेज के जो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन है उस पर ये वर्क करता है। तो इस तरीके से माइटोटिक जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मियोटिक एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, उसके अंदर इंड्यूस पॉलीप्लॉइड्स भी बनते हैं। तो इस तरह से जो पॉलीप्लॉइड का फॉर्मेशन है वो डिपेंड करेगा कि ये नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल पॉलीप्लॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप देखिए मेटाफेज जो है, जैसा कि हम जानते हैं मेटाफेज के अंदर एक मेटाफेजिक प्लेट बनती है और क्रोमोसोम सेंटर में आकर अलाइन हो जाते हैं। अब अगर एनाफेज के अंदर इनका जब सेग्रीगेशन होना है तो ये तो है प्रॉपर डिसजंक्शन, जिसमें कि हाफ ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं, लेकिन आप ये देखिए ये नॉन डिसजंक्शंस, आप ये देखिए एक ही तरफ क्रोमोसोम आ गए हैं और यहाँ पर क्रोमोसोम नहीं आए। तो नॉन डिसजंक्शन में क्या होगा, जब रिजल्टेंट जो सेल बनेगी यहाँ पर डबल गैमेट्स के अंदर क्या आ जाएंगे, 2n क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो जायगोट होगा बनेगा, अगर नॉर्मल उससे n से बन रहा है तो रिजल्टेंट जो जायगोट होगा वो 3n बन जाएगा। नॉन डिसजंक्शन के कारण क्या होगा, जेनेटिक मिसहैप हो जाता है और उससे नॉर्मल गैमेट्स नहीं बनते हैं, एक गैमेट के अंदर ज़्यादा क्रोमोसोम आ जाते हैं। और अगर इस तरीके से ये फ्यूज होता है इसी तरह के गैमेट्स के साथ तो क्या होगा, रिजल्टेंट 4n बन जाएंगे। तो इस तरीके से डिपेंड करेगा, मैकेनिज्म यही रहेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर क्रोमोसोम का 8c 2c 4c 8c और 16c एक ही सेल के अंदर किस तरीके से हम देख सकते हैं। जनरली अगर हम देखें कि पॉलीप्लॉइड्स का जो नंबर है, बाकी जैसे टेट्राप्लॉइड्स और हेक्साप्लॉइड्स हैं वो स्टेबल होते हैं, और किसी भी एक पॉपुलेशन के अगर इनका होता है, अगर इनका ऑड नंबर्स जो होते हैं जैसे ट्रिप्लॉइड्स, ये कम फॉर्चुनेट होते हैं और इनके अंदर जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है ये जो इंडिविजुअल होते हैं स्टराइल होते हैं। तो जिनके अंदर इवन नंबर है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू ऑड नंबर्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनकी सर्वाइवल रेट कम होती है। चिल्ड्रंस ऑफ पॉलीप्लॉइड्स, पॉलीप्लॉइड्स जो हैं बहुत कॉमन है और कुछ मैकेनिज्म जो हैं जिसके कारण पॉलीप्लॉइड्स के कारण स्पीसिएशन होता है, पॉलीप्लॉइडाइजेशन जो है उसमें से एक प्रोसेस है, क्योंकि ये हेल्प करता है नए कॉम्बिनेशंस बनाने के कारण। कुछ जो ग्रुप होते हैं वो टॉलरेट ग्रुप होते हैं, पॉलीप्लॉइड्स को टॉलरेट कर लेते हैं, उनके अंदर डेलिकेट सिस्टम नहीं होता, जबकि ह्यूमंस जो हैं या हायर वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर जो डिवीज़न का जो मैकेनिज्म है बहुत डेलिकेट होता है, उनके अंदर पॉलीप्लॉइड्स बहुत रेयर है, उनके अंदर बहुत मुश्किल से सेल्स सर्वाइव कर पाती है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटो पॉलीप्लॉइड्स एंड एलो पॉलीप्लॉइड्स, कुछ हाई प्रिवलेंस पॉलीप्लॉइड्स जो हैं ग्रुप हैं उनके अंदर ये देखा गया है
कुछ एडवांटेजेस उस टैक्सा के अंदर होते हैं जहाँ पर कि येलो पॉलीप्लॉइड्स या ऑटो पॉलीप्लॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो प्रोजेनी बनती है वो हेल्दियर होती है, ज़्यादा बेटर होती है। अगर हम ये देखें कि बायोडायवर्सिटी जो है, अगर ये पॉलीप्लॉइडी जो है वो एक बायोडायवर्सिटी लाने में हेल्प करती है, इसके अलावा ये स्पीसिएशन में भी हेल्प करती है। इस तरीके से इनका इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जितने भी हाइब्रिड बनते हैं पॉलीप्लॉइड से, उनके अंदर क्या होती है, एक विगर होती है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है, और इनके अंदर जो कुछ रिसेसिव म्यूटेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, उसके प्रोपोगेशन को रिड्यूस कर देते हैं। और पॉलीप्लॉइड के जो हाइब्रिड होते हैं उनके कारण कुछ क्या होता है, डाइवर्स प्रोजेनीज बनती हैं, और इनके अंदर हाई पॉसिबिलिटी होती है हेटरोजाइगोसिटी की। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो हैप्लॉइड जो फेज होता है वो वनरेबल होता है, डेवलपमेंट फेलियर होता है उनके अंदर। और इसके अलावा जो है वो पॉलीप्लॉइड्स जो हैं वो अपीयरेंस में अगर हम देखें तो वो ज़्यादा होते हैं, और इस कारण उनके अंदर मल्टीपल कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, और उनकी डुप्लीकेट कॉपीज जो होती हैं वो फिर भी वो फंक्शन करती हैं, और इसीलिए उनका साइज़ जो होता है वो लार्ज होता है। प्लांट और एनिमल सेल दोनों के ही अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पॉलीप्लॉइड से एसोसिएटेड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एलोप्लॉइड्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, और उनके अंदर फिर डाइवर्सिटी नहीं आ पाती है, क्योंकि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो डाइवर्सिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीप्लॉइड्स, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और कुछ है आर्टिफिशियल। और जिस इस तरह से अगर हम देखें जैसे कि कैबेज जो है, सोयाबीन है, इनके अंदर पॉलीप्लॉइड्स बहुत ही एंसेस्ट्रली चला आ रहा है। और अगर हम देखें कुछ स्पीशीज़ जिन पर कि काम किया गया है तो कॉफ़ी और वीट्स। डिफरेंसेस बिटवीन ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइड्स एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है डाइवर्सिफिकेशन का एंजियोस्पर्म के लीनिएज के अंदर, और ये बहुत कॉमन है। एलो पॉलीप्लॉइड्स और ऑटो पॉलीप्लॉइड्स इनके अंदर डाइवर्सिफिकेशन क्रूशल होता है, और इनके अंदर अपॉर्चुनिटी होती है, और कुछ जो रिसेसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसको लीथल रिसेसिव प्रॉपर्टीज़ को ये सप्रेस कर देते हैं। एलो पॉलीप्लॉइड जो है ये एक आइडियल सेटिंग होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और इनके अंदर जो डाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है। आज हमने एलो पॉलीप्लॉइडी और ऑटो पॉलीप्लॉइडी के बेसिक्स को समझा, और किस तरह से पॉलीप्लॉइड्स का फॉर्मेशन होता है और इनका मैकेनिज्म होता है। थैंक यू सो मच।